हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के फोर्थ वीक की, 23rd से लेके 31st के लिए। तो मैंने आपके कार्ड्स पहले ही प्री शफल करके निकाल लिए हैं। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। नाइन ऑफ कप्स। ओके, तो आप में से जो भी लोग इस वीक में शादी करने वाले हैं, या इस वीक में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, अगर आप सिंगल है तो वो पर्सन बहुत मॉडेस्ट रहेगा और ऑनेस्ट रहेगा आपसे। इस वक्त जो भी आपको रिश्ते मिलेंगे वो काफी अच्छे होंगे। ओके, स्पेशली अगर आप किसी अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, या ऑल ऑफ अ सडन आप सिंगल हैं और कोई आपको मिल जाता है तो। सिक्स ऑफ सॉर्ड। मुझे जर्नी दिखाई दे रही है बाय वाटर। ये लव और करियर रीडिंग दोनों है, सो यहां जर्नी दिखाई दे रही है बाय वाटर। और अगर आप किसी से इस समय पार्टनरशिप करते हैं, किसी बिजनेस पार्टनरशिप की या किसी वर्क का आप सोच रहे हैं इनिशिएट करने के लिए, आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओवरसीज रहते हैं। ठीक है, बट यहाँ सिक्स ऑफ सॉर्ड है तो यहाँ मुझे पेन और पैनिक भी दिख रहा है। मेरे ख्याल से आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में इस वीक में। यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड दिखाई दे रहा है। सर्टनली आपके मन के अंदर किसी बात का डर है और आपको आगे बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही है। द हर्मिट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस वीक में अकेले बिताना चाहेंगे। ठीक है, द हर्मिट मुझे ये शो कर रहा है कि आप एक तो थोड़े सैड भी हैं। मे बी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को अगर मैं रिलेशनशिप के हिसाब से देखूं, तो आप किसी रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप से जिसने आपको बहुत समय से अब्यूज किया है। अब्यूजिव रिलेशनशिप से मेरा मतलब यह है कि आपको हो सकता है इमोशनली ब्लैकमेल किया हो, बार बार आपको वादे दिए हो, पूरे ना किए हो, आपका फायदा उठाया हो, या इस तरह की कोई चीज अगर आपके लाइफ में हो रही है तो। वैसे ये जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली सबके लाइफ में ऐसा नहीं होगा। और अगर आप पिछले वीक की भी रीडिंग देखना चाहें तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ईयरली रीडिंग की भी। सो द हर्मिट से मुझे ये शो हो रहा है कि आप अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं और थोड़े कॉशियस हो रखे हैं इस वक्त। आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से उबर नहीं पा रहे हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे कि आगे क्या करें, नेक्स्ट व्हाट। आप ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ फील करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहां शो हो रहा है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी है। ऑल्दो आपके पास बहुत सारे रीजंस है घबराने के लिए, मगर फिर भी आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है जो लिब्रा के अंदर होती है। किसी भी टफ सिचुएशन में आप डिसीजन लेने के काबिल होते हैं। लिब्रास ऑफन किसी चैलेंज से नहीं घबराते, और आपके अंदर ये ताकत होती है कि आप टफ से टफ सिचुएशन में भी अपने डिसीजन लेते हैं। आप जल्दी कंफ्यूज नहीं होते और बोल्डली अपने जो इंस्टिंक्ट होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जो आपका मन करता है आप वही करते हैं। लिब्रास को यूजुअली ज्यादा लोगों की बातें सुनने की या उनकी परवाह करने की आदत नहीं होती। किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। ये नाइन ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं साथ में देखूं तो इसका मतलब है कि आप अगर शादी करने वाले हैं तो वो शादी तो अच्छी निकलेगी, प्रॉस्पेरस निकलेगी। आप अपने पार्टनर से बहुत खुश रहेंगे। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता है, फैमिली की निभाना जानता है, ये डिपेंडेबल है। और अगर आप सिंगल हैं और आपको इस वीक में कोई रिश्ता आता है तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत अच्छा रिश्ता हो। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। और दूसरी बात, आपको लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। दूसरे लोग आपको एज डिपेंडेबल पर्सन देख रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ सारी जिंदगी बिताई जा सकती है, आप पे भरोसा किया जा सकता है। एंड यहां थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, आपको लोग एक कॉन्फिडेंट और कमांड लेने वाले के तौर पर देख रहे हैं। ऑल्दो आपके अंदर एक फियर है जो आप किसी को बता नहीं रहे, हर्मिट के साथ आप अकेले बैठे हुए हैं। अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं तो किंग ऑफ पेंटिकल से ये पता चल रहा है कि आपके जो बॉस हैं और आपका जो वर्क प्लेस है वो फेवरेबल रहेगा, और आपके बॉस आपको फेवर कर सकते हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। और आपको वर्क प्लेस पे कुछ एडवांटेजेस मिल सकते हैं, कुछ को प्रमोशंस मिल सकते हैं,
और इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं, या किसी बेनिफिशियल पार्टनरशिप में आप एंटर कर सकते हैं अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो। 10 सन, ओके, बहुत अच्छा कार्ड है 10 सन। मुझे लग रहा है कि वर्क फ्रंट पे तो चीजें आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। 10 सन, एक फैमिली, आप फैमिली का हैप्पीनेस, आपके फ्रेंड्स होंगे आसपास, इन सबकी खुशी आपको है। मे बी आप अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आप इस चीज को लेके हैप्पी हैं, क्योंकि बहुत समय से आप वो नहीं कर पाए थे। मे बी ये 6 ऑफ सॉर्ड बस यही शो कर रहा है कि आप अपने फैमिली की तरफ वापस जा रहे हैं, मगर किसी तरह की चिंता आपके अंदर है और आप अपने लोगों से मिलेंगे। और यहाँ द सन के साथ मुझे एक लाइवली माहौल दिखाई दे रहा है। द स्टार, ओके, सो द स्टार है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आप थेफ्ट, इस तरह की चीजों से बचें इस वक्त में। ओके, सो कॉशियस रहे अपने सामान के साथ, या जो भी, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में हैं तो प्लीज केयरफुल रहें, क्योंकि द स्टार के साथ कोई किसी तरह का थेफ्ट हो सकता है। ओके, और आपको ऐसा भी फील हो सकता है किसी पॉइंट पे, कुछ लोग जो रिलेशनशिप में थे, क्योंकि यहां मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ एंड होने वाला है। यहाँ द हॉर्मिट के कार्ड से और यहाँ द 6 ऑफ सॉर्ड्स से ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में से, अपने रिलेशनशिप से तंग आ गए, प्रीवियस रिलेशनशिप से, और नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ ऐसा इशू है, वहां द स्टार मुझे शो कर रहा है, आप अबैंडन्ड फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपके पार्टनर ने छोड़ दिया अकेला हालात से जूझने के लिए, ऐसा आपको फील हो सकता है। और थेफ्ट से बचें इस वीक में, जो कि पॉसिबल हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये दिख रहा है मुझे कि सिकनेस और सैडनेस, प्लीज अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। या सिकनेस मुझे दिखाई दे रही है, 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही प्रोमिनेंट कार्ड है सिकनेस का। एंड ऑफ कोर्स अभी हमें पता ही है कि क्या चल रहा है, वायरस, कोरोना वायरस और ऑल दोस थिंग्स जो भी है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि सिकनेस और सैडनेस हो सकती है, बट ऐसा कोई खास थ्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ द सन है। सो ओवरऑल चीजें अच्छी ही रहने वाली हैं, स्टेबल रहे, सोच समझ के अपना डिसीजन ले। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा आपको फोकस करने की जरूरत है अपने डिसीजंस पे, क्योंकि आपके डिसीजंस जो हैं, मुझे लग रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा में 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है पिछले 2-3 वीक से, ऑल्दो मुझे श्योर नहीं है, बट एस ऑफ सॉर्ड्स आपको बार बार यही कह रहा है कि आप अपना डिसीजन को बार बार सोच के लें, जल्दीबाजी में या अपने दिल की सुन के, सिर्फ दिल की सुन के ना कोई फैसला लें, दिमाग का यूज करें, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स से पता चल रहा है कि जो भी आप फैसले लेंगे अगर वो प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल हुए तो आपके लिए, आपको वो एकदम ऊंचाई पे ले जाएंगे, और अगर कहीं आपने इमोशंस में आके या जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया तो वो आपको एकदम नीचे भी ले जा सकते हैं इस वीक। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप सिंगल हैं, किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, तो वेट इस वीक, वेट कीजिए, जस्ट डू नॉट, अपोजिट साइड से प्रपोजल आता है तो दैट्स फाइन। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप थोड़ा सा बच के रहें और अपने डिसीजंस को सामने वाले को मौका दे पहले अप्रोच करने का, सामने वाले को भाप ले, उसके बाद अपनी तरफ से स्टेप ले, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि आपको मिस जज भी किया जा सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आपके लिए कुछ ओरेकल्स कार्ड भी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओरेकल फॉर लिब्रा, ओरेकल फॉर लिब्रा फॉर द 4th week of March, Oracle for Libra for the 3rd week of March. Master Buddha, increased awareness, deep connection trust your inner voice. Okay, तो इस वक्त आपका खुद से कनेक्ट करने का वक्त है। द हर्मिट के साथ ये कार्ड अगर आप देखने जाए, डीप कनेक्शन, आपके अंदर जो कनेक्शन है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपका यूनिवर्स से जो कनेक्शन है वही अल्टीमेट चीज है आपके जीवन में। सबसे पहले हमारा कनेक्शन जो होता है वो यूनिवर्स से होता है, और सबसे पहला कनेक्शन वही है किसी के भी साथ कनेक्ट होने से पहले। ओके, तो आपके अंदर जो ख्याल आएंगे वो यूनिवर्स के द्वारा गाइड किए होंगे, और आपके मन में जो भी ख्याल आएंगे उनके बारे में आप सोचिए, उनको अटेंशन दीजिए, ठीक है, और अपने अंदर की आवाज सुने और फिर आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं विद दिस एस ऑफ सॉर्ड, स्पेशली एस ऑफ सॉर्ड जो यहाँ आया है,
और सिक्स ऑफ सॉर्ड। तो यहां आपको किसी से ज्यादा एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। जो आपको मन को सही लगे, आपको अगर लगे कि इस पॉइंट पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो आप वैसा ही करें। जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी वो सही आएंगी और आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा इस वीक में। सो ये थी आपकी फोर्थ वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट रीडिंग, बाय।